दोस्तों पालक का यूज़ करके आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जो कि बच्चों के टिफिन के लिए भी बहुत हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है। और दोस्तों ये नाश्ता बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं नीता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद नीता में। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए एक बाउल में 2 कप साफ किया हुआ पालक ले लेंगे, जिसको कि अच्छे से बारीक काटा हुआ है। इसमें एक छोटी साइज का प्याज बारीक काट कर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा अदरक कद्दूकस किया हुआ ऐड कर देंगे। बारीक बारीक कटी हुई 1 से 2 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। एक छोटी साइज का आलू, जिसको कि कद्दूकस करके एक बार पानी में से अच्छे से धोकर निकाल लिया था, वो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। साथ में एक टमाटर ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ। यहाँ पे आप अपनी मनपसंद और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हो। अब इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच चाट मसाला, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। और अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और इसी के साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और साथ ही एक नींबू का रस भी ऐड कर देंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर देंगे। ये नाश्ता आप बच्चों के टिफ़िन में रखकर भी दे सकते हो, तो जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते या पालक नहीं खाते वो भी इसे बड़े मज़े से खाएंगे। अब इसमें मैं 1/4 कप सूजी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप सूजी की जगह चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हो। और थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं इस तरह से। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा कर बेसन ऐड कर रही हूँ। तो अभी मैंने 1/2 कप बेसन ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स करके देख लेते हैं कि कितने बेसन की और ज़रूरत है, ताकि जो हमारा नाश्ता है वो अच्छे से बाइंड हो जाए। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक बैटर बनाएंगे। पर ध्यान रखिएगा, पानी एक साथ नहीं डालना है। अगर आपने एक साथ पानी डाल दिया तो बैटर गीला हो सकता है। तो ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। अब इस बैटर को हम 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने रख देंगे, क्योंकि इसमें हमने सूजी ऐड करी है तो वो थोड़ा सा पानी अब्जॉर्ब करेगी। तो इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देते हैं। 10 मिनट्स के बाद हम इसको देखेंगे और इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर यूज़ किया है, बेकिंग सोडा यूज़ नहीं किया है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रखा था, तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेते हैं। और ये देखिए, इस तरह का बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए थी। तो बैटर नाश्ता बनाने के लिए एकदम तैयार है, आइए चलते हैं। अब यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इतना ही कि ये पैन अच्छे से ग्रीस हो जाए। ये नाश्ता बहुत ही कम ऑयल में बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, हमने पैन में सभी तरफ ऑयल को फैला लिया है। मैं यहाँ पे थोड़े से सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आपके पास हैं तो करिए, नहीं तो इसके बिना भी नाश्ता अच्छा लगता है। सिर्फ इसमें दिखने में अच्छा लगेगा, इसलिए हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रहे हैं। अब बैटर में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर इस तरह से इसको फैला लेंगे। अब 2 मिनट के लिए लीड लगाकर इसको कुक होने देंगे, ताकि ऊपर से भी अच्छे से कुक हो जाए। और ये देखिए, लीड हटाकर देखने पर ये कितना बढ़िया दिख रहा है। अब हम इसको पलटेंगे तो इसके ऊपर फिर से तिल स्प्रिंकल कर देते हैं, ताकि इस तरफ भी तिल अच्छे से लग जाए। और दूसरी साइड से भी इसको बहुत अच्छे से कुक कर लेते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल आसपास डाल सकते हैं, जिससे कि ये नीचे से भी बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। एक बार फिर 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। और ये देखिए, दूसरी तरफ से भी बढ़िया कुक हो गया है। अब हम इसको ट्राइंगल शेप में कट करेंगे। तो इस तरह से चाकू या पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसको सब तरफ से इस तरह से कट कर लीजिए। तो ये नाश्ता बहुत ही सुंदर लगता है दिखने में और बहुत हेल्दी है। सिर्फ 1 चम्मच ऑयल में ही ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। जो लोग अपना वेट लूज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। आज मैं इसे टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अपनी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ इसको एंजॉय कर सकते हो। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।